हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे 100 का प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन करेंगे। स्क्वाड एनालिसिस इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया करूंगा, क्योंकि अगर एक में बनाने जाऊंगा तो वो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसमें बात करेंगे 100 के सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में, 100 समय क्या एक्सपेक्टेशन है, बुकी के लिए होगा, पंटर के लिए होगा, और जो भी वेन्यू वगैरह की इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे, क्योंकि आपका समय है बहुत ही कीमती। 100, तो भैया सोनी के चैनल्स पे ये मैच आएगा। किस चैनल पे आएगा मुझे भी नहीं पता। सोनी के 5 चैनल्स हैं, वो किसी पे भी चला सकते हैं। कोई मैच हो सकता है किसी चैनल पे आए, कोई हो सकता है कि किसी और चैनल पे आए, क्योंकि उनको 5 चैनल को सब्सक्राइब करवा के रखवाना है। अपने सब्सक्राइब से याद है, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, खाली फ्री मत देखो, मुफ्त में, ठीक है। सोनी लिव के ऐप पे भी आएगा ये, जो ओटीटी पे अगर आपको देखना है, फैन कोड पे आएगा। टाइमिंग रहेगी 3 PM वुमेन्स वाली, अदरवाइज 7 PM, 7:30, 11 PM, ये टाइमिंग्स आपके रहेंगे मैच की। 100 बॉल का ये टूर्नामेंट होता है, आप जानते हैं 25 बॉल का पावर प्ले होता है, यानी कि 5 ओवर, क्योंकि एक ओवर इसमें 5 बॉल का होता है। फील्डिंग साइड जो है हर 10 बॉल बाद एंड चेंज करेगी। इन जनरल जो T20 या वनडे होता है उसमें हर ओवर के बाद करती है, इनफैक्ट टेस्ट में भी यही होता है। और जो बॉलर है वो चाहे तो 5 बॉल या चाहे तो लगातार 10 बॉल डाल सकता है, यानी कि 2 ओवर लगातार डाल सकता है, ये मर्जी चलेगी कैप्टन की। अब बात करते हैं फटाफट से वेन्यू। पहला वेन्यू है नॉटिंगम, होम टीम है ट्रेंट रॉकेट्स। और अगर मैं बात करूं ग्राउंड की, तो डायमेंशन शॉर्ट है, बाउंड्रीज छोटी है, पिच बैटिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन रिसेंट टाइम में इसने कुछ मिक्स रिजल्ट दिए हैं, यानी कि अब यहाँ पे उतने हाई स्कोर्स नहीं बन रहे हैं लास्ट 2-3 साल में। पहले ये बिल्कुल पाटा होता था, एक बार वनडे मैच में 500 रन बनने के नजदीक आ गया था ऑस्ट्रेलिया, आई एम सॉरी इंग्लैंड बनाने के नजदीक आ गया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो आप सोचो कि कितना पाटा रहा होगा ये, लेकिन अब मैं क्या देखता हूँ, मिक्स रिजल्ट मिलते हैं यहाँ पे, कभी 200 बनता है और कभी कभी भैया 150 भी यहाँ पे जो है बनना और चीज होना बाधी हो जाता है। तो पिच जो है ना वो किंग होती है भैया। बात करते हैं लॉर्ड्स की, तो होम टीम है लंदन स्प्रिट मॉर्गन वाली। पिच थोड़ी बेटर हुई है पहले के मुकाबले, बट स्टिल मैं कहूंगा बैट फर्स्ट के फेवर में है, यानी कि 140-145 पे भी, जो कि 100 बॉल का मैच है तो ये डिसेंट स्कोर होता है, और उस स्कोर पे बैट फर्स्ट मेरे हिसाब से गेम में रहेगी। हेडिंग ले होम टीम नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स, ये इस कंट्री का सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग ग्राउंड में से एक है। चेजिंग टीम जो है ना वो 11 के रन रेट पे भी बाहर नहीं होगी मैच से, ठीक हो गया। द रोज बॉल सदर्न, होम टीम है सदर्न ब्रेव, जेम्स विंस वाली। बाय द वे इस ये जो टीम है ना, हेडिंग ले, इसका कैप्टन बेन स्टोक्स है, पर मुझे पता नहीं वो खेलेगा कि नहीं खेलेगा, मर्जी का है, सुपरस्टार आदमी है, तो आई डोंट नो, तो आपको बता दिया जस्ट कि आप रिजेंबल कर सको उस चीज से। दरोज बॉल होम टीम है सदर्न ब्रेव, जेम्स विंस वाली, बाउंड्रीज बड़ी हैं, और अगर पिच ने अलाउ किया तो यहाँ भी जो मैच है वो उसमें बैट फर्स्ट थोड़ा सा एक डिसेंट स्कोर पे ना आगे रहेगा, गेम में पलटा भारी रहेगा उसका। ओल्ड ट्रैफर्ड ये भी एक ऐसे ग्राउंड है जहां पे पिच ने अलाउ किया तो बैट फर्स्ट की टीम को सपोर्ट करेगा, बड़ी बाउंड्रीज है स्पेशली लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की जो बाउंड्री है। होम टीम है मैनचेस्टर ओरिजिनल वाली, कप्तान इसके हैं जॉस बटलर। एज वेस्टर्न होम टीम है बर्मिंगम फिनिक्स, मेरे ख्याल से कप्तान इसके हैं मोइन अली, और जो लास्ट 3 मैच हुए थे ना लास्ट के सेमीफाइनल और फाइनल्स वो इसी मैदान पे खेले गए थे। पहले मैच में चेंज हो गया था ड्यू टू DLS, स्कोर छोटा हो गया और बारिश से भी विकेट थोड़ा सा बेटर हो गया था इसलिए। अदरवाइज जो नेक्स्ट जो 2 मैच हुए थे ना उनमें तो भाई बहुत ही घटिया विकेट बनाई थी, कम स्कोर बना और वो डिफेंड भी हो गया। एक तो मैंने आपको जैकपॉट दिया भी था 25-30 रुपए का, पर अगर ओवरऑल ब्लास्ट में देखूं तो विकेट अच्छा खेला था वैसे, तो इसलिए मैं कहता हूँ पिच देख लो, पर मेरे हिसाब से फिर भी ये ग्राउंड ऐसा है कि जहां पे डिसेंट स्कोर बनेगा अगर, तो फिर आपकी बैट फर्स्ट टीम गेम में रहेगी। अगला है केंगटन ओवल, होम टीम है ओवल इनविंसिबल्स, कैप्टन इसके सैम करन, और डोमेस्टिक में ये टीम है सरे वाली, उसका ये होम ग्राउंड है, बैटर्स का पैराडाइज है, स्वर्ग है, बैटर्स यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। जब भी उनको बोला जाता है कि भाई कल तुम्हें यहाँ पे खेलना है, रात को उनको नींद नहीं आती, वैसे बोलो को भी नहीं आती। चेजिंग टीम का जो है अपर हैंड रहने वाला है इस ग्राउंड के ऊपर, कैसे बताता हूँ। एक मैच हुआ था ब्लास्ट में, यहाँ पर सरे ने 258 बनाया था और 258 चेज कर दिया था मिडिल सेक्स जैसी लैंडी टीम ने। अब आप समझ लो कि इस ग्राउंड में क्या पॉसिबल है। कार्डिफ आखिरी ग्राउंड है, होम टीम है वेल्श फायर, नाम में फायर है पर
ये वो डायलॉग है ना पुष्पा का कि फायर समझा है क्या, फ्लावर समझा है क्या, मैं फायर है, मैं इनके नाम में फायर है पर ये बिल्कुल भी फायर नहीं है, फ्लावर ही है, फटके फ्लावर वाला फ्लावर है। अभी तक दोनों सीजन में फटे हैं, अब देखेंगे इस सीजन कैसा करेंगे, जब मैं स्क्वाड का प्रीव्यू करूंगा तब तो आपको बताऊंगा। बड़ी बाउंड्रीज है कार्डिफ में, रिसेंट टाइम में पिच अच्छा बना है यहाँ पे, स्टिल मैं कहूंगा अगर एक अच्छा स्कोप बना तो ये बैट फर्स्ट की तरफ टिल्टेड रहेगा। तो अभी तक क्या अगर हम देखें तो हेडिंगली और केनिंगटन ओवल को अगर हम हटा दें तो बाकी सभी ग्राउंड थोड़ा सा बैट फर्स्ट की तरफ टिल्टेड है। रिमेम्बर पिच मैटर्स, पिच पे आपको फोकस बनाना है, क्योंकि अगर देखो पिच अच्छा बना होगा तो एमसीजी में रन बनते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे 85 मीटर की बाउंड्रीज हैं, गैबा में रन बनते हैं जहां 85 मीटर की बाउंड्रीज हैं, ठीक है। और अगर पिच डिफिकल्ट होती है तो नॉटिंगहम जैसे पिच पे भी रन नहीं बनते, क्योंकि बैट्समैन को बल्ले से जो बॉल का संपर्क होता है ना वो अच्छा करना होता है। अगर पिच में डिफिकल्टीज हैं तो वो अच्छा नहीं होगा, फिर ये मैटर नहीं करता कि बाउंड्री 60 मीटर की है। शारदा में आपने देखा होगा 56 मीटर की बाउंड्री है और इसको बन रहा है भाई कितना, 135 120, तो पिच मैटर। अच्छा गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लीज लिंक से ज्वाइन करें। अगर आपसे लिंक से ज्वाइन ना हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर आइए, मैं आपको वहां लिंक शेयर कर दूंगा, ऐसा इसलिए ताकि आप किसी फेक चैनल में ना पहुंचे। 100 के बारे में बात करें भैया, कौन जीतेगा इस बार, बुकी या ट्रेडर्स? तो लास्ट सीजन फुली बुकी फेवर था, मुझे भी ये सीन थोड़ा हैवी गया था मेरे लिए, अच्छा नहीं गया। इनफैक्ट लास्ट एक साल में सबसे खराब सीजन मेरा कोई गया है तो ये गया है, सामने से बता रहा हूँ, जो गया है सो गया है, ठीक है। अच्छा नहीं गया था मेरा ये वाला सीजन, किसी का भी नहीं गया था, बट क्योंकि मुझे थोड़ा आदत नहीं है उस तरह से, तो यार ये खराब गया था, बड़ा बुरा लगा ना। तो लेकिन उससे पहला था वो तो सबने मजा आया, सबको बहुत ही बढ़िया सीजन हुआ था भाई साहब। तो एक करा दे बुकी, एक करा दे ट्रेडर, इस बार किसका होगा? इस बार आई थिंक ये बैलेंस बनाएगा बीच में बुकी और ट्रेडर की, यानी कि उतना पंटर फ्रेंडली नहीं होगा जितना 21 का हुआ था, उतना बुकी फ्रेंडली नहीं होगा जितना 22 का हुआ था। हाँ, जो वुमेन्स का है, जैसे मैंने लास्ट ईयर भी कहा था कि वुमेन्स का मेन्स से अच्छा होगा, इस बार भी ऐसा ही मैं कहूंगा कि वुमेन्स का मेन्स से अच्छा होगा। वुमेन्स के स्क्वाड बहुत अच्छे बने हैं, जब प्रीव्यू करूंगा तब आपको बताऊंगा। बाकी तो यही प्रेडिक्शन है इसके बारे में कि पहले से बेटर होगा, लेकिन ओवरऑल देखे तो वुमेन्स का इनसे अच्छा होगा मेन से। बाकी गाइस, जी मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक है दूसरे वाले का, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर जितने भी स्क्वाड के प्रीव्यू करूंगा मेन्स और वुमेन्स सब इसी चैनल पे करूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस। अंत में बस यही कहूंगा कि पैसा आपका है और समझ भी आपकी है भैया, तो प्लीज 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 अपने पैसे को संभाल के इन्वेस्ट करें, जो मैच आपको समझ में आए वही खेलें। इस समय देखो कितने मैच चल रहे हैं, 3 मैच चल रहे हैं एक दिन में T10 की जिम्बाब्वे वाले, फिर चल रहा है 2 मैच चलते हैं मेरे ख्याल कैनेडा के, फिर 2 मैच चलते हैं MLC के, अगर और दिन में मैच चलते हैं, अगर आप इस तरीके से खेलने बैठोगे ना तो सत्यानाश है, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं, उनको तो चाहिए कि आपकी तरफ अबाड़ा कबाड़ा सब फेंका जाए, और अब बड़ा कबाड़ा नहीं भी है तो अगर इतने सारे मैच होंगे तो आप फोकस नहीं बना पाओगे, और यही वो चाहते हैं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। सो प्लीज उनके ट्रैप में मत फंसो, जो मैच आपको समझ में आए, जिसमें आपको रिलैक्स हो, जिसमें आपको लगे कि हाँ यार मेरी पूरी श्योरिटीज में है, उसके बाद चाहे फेल चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसी में इन्वेस्ट करें, बाकी सब कुछ छोड़ दें, आईडी लॉग आउट करें, बंद करें, बात करता हूँ। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा गुड लक, 100 आप सभी का अच्छा जाए, इनफैक्ट आने वाला सीजन पूरे का पूरा आपके लिए अच्छा जाए। इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, गुड बाय, गुड लक, मिलते हैं किसी और वीडियो में।